दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे। बहुत शुक्रिया। मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे। तुझको अगर इन मेरी निगाहों से है गिला, जा दूर से भी अब तुझे देखा न करेंगे। जा दूर से, वक्त नहीं है। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। अभी एमपी साहब भी, रऊ चचा, प्रकाश देश लहरा साहब, आपकी दोस्ती की मिसाल है। लेकिन दुनिया में सब ऐसे नहीं होते। 95-96% ये आजकल की परिभाषा है कि बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। गुरूर सर में समाया नहीं असर, वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। मुखालफत नहीं हो ती तो मर गया होता। चचा जमी से आए हैं, चलकर जमी पर देख लेते हैं। चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। ये वर्ल्ड फेमस शायर है हमारे यूपी के, हफीज मेरठी साहिब। मतले में अर्ज करते हैं, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, टूटे आवाज ना आए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, आप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। ये मकबूलियत की दलील है कि मेरी माँ बहनें भी खड़ी हो गई और मिसरों को दोहरा रही है। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे सांप डसे तो दोस्त डसे तो अपनों से तो घर का भेदी लंका।
हमारे जिले के बड़े मशहूर शायर जनाब तकी शेरकोटी साहब फरमाते हैं, मेरे मोहसिन हो तो मुझको ये सजा मत देना, आज के दौर में जीने की मत देना। अब पाकीज़ा ख्यालात नहीं लोगों के, दोस्ती करना मगर घर का पता, दोस्ती करना मगर घर का पता। रो के पूछेंगे और हंस हंस के उड़ाएंगे मजाक, अपने फाके का पड़ोसी को पता, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा। मखता है सुल्तानी साहब, जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे, ऐसी दौलत भी मुझे मेरे खुदा। खुद गरज लोग, खुद गरज लोग मददगार नहीं हो सकते, खुद गरज लोग मददगार नहीं हो सकते, वो तो बहरे हैं सखी, वो तो बहरे हैं तकी, उनको सजा मत देना। जो तकी साहब थे अब्बास ताबिश, लेकिन साथ देना पड़ेगा इसी तरह से पढ़ूं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला, जोर से, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला, हर नए मोड़ पे एक जख्म नया, तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, लोग सदियों की रिफाकत को भुला, कैसे मुमकिन है धुआं भी न हो और दिल भी जले, चोट लगती है तो पत्थर भी सजा, कौन होता है मुसीबत में किसी का ऐ दोस्त, आग लगती है तो पत्ते भी हवा, आग लगती है तो पत्ते भी हवा, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पे वही लोग दबा देते हैं। एक नया मतला और एक नया शेर इस महफिल में रख रहा हूं, वक्त पड़ने पे वही लोग दबा देते हैं। जुनैद भाई यही स्टेज था, अजीम नजर साहब पहली मर्तबा वो और मैं साथ में बैठे थे, मतलब इस स्टेज पर उन्होंने पैसे दिए तो मैंने उन्हें भी शेर सुनाया था, अब तुम्हें भी देने पड़ेंगे। अब बड़े भाई हो छोड़ूंगा नहीं, बड़े भाई की जेब से भी लूंगा, वरना देने वाले देना हो तो दे दे दस्ते गैब से, ये था उनकी जेब से कुछ दे दो अपनी जेब से। अल्लाह ये रिश्ता सलामत रखे, ये रिश्ता सिर्फ स्टेज तक का नहीं है, ये हमारा खानदानी रिश्ता है। इन्होंने कहा कि दुनिया में बहस होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं स्टेज पर, लेकिन हम दोनों भाइयों में कभी आज तक ना इत्तफाकियाँ इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर जुनैद सुल्तानी को इज्जत मिलती है तो समझो अनीस साबरी को इज्जत मिल रही है। एक मरतबा जोरदार तालियां सुल्तानी साहब के लिए बजाएं। और एक जुमला रऊफ चचा ने कहा था कि ये आज के जानी बाबू अजीज नाजा साहब हैं, तो मैं इस चैनल से बोल दूँ जुनैद भाई की तरफ से भी कि अजीज नाजा जानी बाबू साहब ने जो काम किया है वो आसमान है, हम लोग जमीन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मकाम को अपनी मेहनत से हासिल करें, लेकिन वो ऐसी लकीर खींच गए कि हम उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, फिर भी उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि अल्लाह उन बुजुर्गों की, अल्लाह आपको कामयाब करे, रोशनी अता फरमाए और हम लोग भी उस मंजिल तक पहुंचे उनकी दुआओं के। माशाल्लाह, आमीन आमीन। शुक्रगुजार हूं सुल्तानी साहब का,
वो लोग तो बहुत बड़ी चीज है, हम जर्रा नाचीज है, ये तो आप लोगों का प्यार है कि हमें निभा रहे हैं आप लोग। लीजिए एक मतला और एक शेर पढ़कर बंद कर रहा हूँ, लेकिन चार मिसरों के साथ। दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रास नाई। शोर हुआ जब शीशा टूटा, दिल टूटा आवाज नाई। दिल टूटा दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं। मतलब आसिफ मामू का है। दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धोखा नहीं। यार बन के गला काटना, यार बन के गला काटना, दुश्मनी में ये होता नहीं। अरूफ चचा आखिरी शेर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि उन्हें भी जल्दी है मुझे भी, और मेरी वालदा का नया नया मामला है। अल्लाह हमें सब्र जमील दे, ये तो हम मेहनत से भागे फिर रहे हैं वरना हिम्मत नहीं आई, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं। जुनेद भाई इरशाद, सारे रिश्ते हैं अपनी जगह, सबका अपना अलग प्यार है। सारे रिश्ते हैं अपनी जगह, सबका अपना अलग प्यार है। माँ से बढ़कर कोई दूसरा, माँ से बढ़कर कोई दूसरा प्यार दुनिया में होता नहीं। बस वही मिसरे पढ़ के बंद कर रहा हूँ। आपको मैंने निगाहों में बसा, आईना छोड़िए आईने में क्या, आईना छोड़िए आईने में क्या, छोड़िए दर से मसावात में क्या। हर बड़े शख्स ने छोटे को दबा, जिसके साए में हंसी वादे किए थे तूने, मैंने उस पेड़ की शाखों को हरा, मैंने उस पेड़ की शाखों को हरा रखा है। तेरे बीमार मोहब्बत ने दमे आखिर भी तेरी तस्वीर को सीने से लगा। जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला, इसी उम्मीद पे दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला और दरवाजा खुला, दरवाजा खुला। आ जा के आस टूटने वाली है प्यार की, हद हो गई है अब तो तेरे इंतजार की। मैंने दरवाजा खुला,